भाई सैमसंग वाले कह रहे हैं कि सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बेटर है और iOS वाले कह रहे हैं एप्पल का आईफोन 16 बेटर है, पर पता ही नहीं चल रहा कौन सा बेटर है। और इसी बीच सैमसंग की S25 सीरीज के इतने लीक्स एंड रूमर आ गए कि मुझे तो और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंबाइन करके सैमसंग के गैलेक्सी S25 सीरीज के सारे लीक्स एंड रूमर्स को, कैसा सैमसंग का गैलेक्सी S25 दिखने वाला है, कैसा वो होने वाला है और क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं और कैसे वो आईफोन 16 की हाइप को किल कर देने वाला है, सब बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है सुमित पुरोहित, आप देख रहे हो पुरोहित जी टेक्निकल। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, चाहे वो आईफोन हो या सैमसंग हो, लोग डिजाइन की वजह से उन्हें मेजरली लेना पसंद करते हैं या फिर शो ऑफ करने के लिए। तो चलो इस बार डिजाइन की बात कर ही लेते हैं। तो इस बार भी हमें हर बार की तरह सेम डिजाइन मिलने वाला है सैमसंग की तरफ से भी। मेरे को तो लग रहा है कि आईफोन और सैमसंग ने बात कर रखी है एक दूसरे से कि हम अपने डिजाइन नहीं बदलेंगे, लोगों को एक ही चीज चिपकाते रहेंगे। पर इस बार इंप्रूवमेंट होने वाला है डिजाइन के अंदर, जो कि है टाइटेनियम का लाइट फ्रेम यूज होगा सैमसंग के S25 अल्ट्रा सीरीज के अंदर, जिसके ऐसे आपको वेट कम मिलेगा। कंप्रेस बैटरी होगी जिसके ऐसे आपको वेट कम मिलेगा, मतलब इस बार थोड़ा वेट ओरिएंटेड फोन होगा, मतलब स्लाइटली लाइट वेट होगा पिछली बार की वजह से। पिछली बार तो सैमसंग की S24 अल्ट्रा का वेट इतना था कि आरडी शर्मा की किताब रख दो एक तरफ, सैमसंग का S24 अल्ट्रा रख दो, दोनों को एक दूसरे के सर पे दे मारो भाई, वो गेम खत्म हो जाने वाला है। चलो अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस बार आपको स्नैपड्रैगन का 8th Gen 4 प्रोसेसर मिलने वाला है ओवर ऑल दी सैमसंग S25 सीरीज, और साथ ही में ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होने वाला है क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन होगा सैमसंग के लिए। इसके अंदर आपको काफ़ी AI फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और खबरों से तो ये भी पता चला है स्नैपड्रैगन का 8th Gen 4 A18 चिप से ज़्यादा पावरफुल होगा बेंचमार्क के अंदर। चलो अब हम बात करते हैं कैमरास की। कैमरास के अंदर तो सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज तो हमेशा से ही ऑन द टॉप रही है। तो अब हम बात करते हैं कैमरा की। तो इस बार भी आपको सेम कैमरा मिलेगा बट स्लाइटली थोड़े से इंप्रूवमेंट, जैसे कि अल्ट्रा वाइड आपको 50 MP का मिलेगा, टेलीफोटो 50 MP का मिलेगा और साथ ही में 200 MP का मेन कैमरा मिलेगा। सेंसर्स के अंदर थोड़े बहुत अपग्रेड है, ऑप्टिमाइजेशन में थोड़े बहुत अपग्रेड होंगे और बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और सैमसंग गैलेक्सी S25 और प्लस के अंदर तो सेम ही कैमरा मिलेगा। और इस बार जो मेजर इंप्रूवमेंट सैमसंग ने किया है वो है बैटरी और चार्जिंग पे, मतलब एप्पल को पूरा हराना है बैटरी डिपार्टमेंट और चार्जिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि S25 अल्ट्रा के अंदर आपको 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है और साथ ही में S25 के अंदर आपको 4200mAh की बैटरी और S25 प्लस के अंदर 4800mAh की बैटरी और S25 अल्ट्रा के अंदर तो आपको 5500mAh की बैटरी 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलने वाली है। और अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और AI की। इस बार सैमसंग ने एक गलती कर दी, गलती क्या, हर बार की तरह एक ही चीज कर दी कि एप्पल को ट्रोल करने के बाद भी एप्पल को कॉपी कर ही लिया। मतलब एप्पल का जो नोटिफिकेशन सेंटर होता है उसके अंदर आप एक तरफ खोलते हो तो नोटिफिकेशन आते हैं, दूसरी तरफ खोलते हो तो सारी सेटिंग्स आती हैं। यही सेम चीज सैमसंग ने भी कॉपी कर ली है अपने S25 सीरीज के अंदर, मतलब नए UI के अंदर। और साथ सैमसंग एप्पल को नीचे दिखाते हुए अपने AI फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करेगा जो कि फार बेटर हो सकते हैं एप्पल के कंपैरेटिवली, गूगल के फोन की तरह फीचर्स हो सकते हैं और ऐसे फीचर्स होंगे जो कि रियल लाइफ में यूज हो सकते हैं, जैसे कि रियल टाइम इमेज जनरेशन वगैरह वगैरह। तो आप बताओ कमेंट के अंदर आप एक्साइटेड हो AI फीचर्स के लिए। और ये थे सारे के सारे अपडेट्स जो कि आपको S25 सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पर आपने एक चीज नोटिस करी कि क्या ऐसा क्या हो गया कंपनीज को कि ना ही आईफोन की 16 सीरीज के अंदर इतने मेजर अपडेट थे, ना ही सैमसंग की S25 सीरीज के अंदर इतने मेजर अपडेट होंगे। तो इसका मेन सा रीजन यही है कि अब हम ऐसे लेवल पे आ चुके हैं स्मार्टफोन डेवलपमेंट के जहां पे कुछ भी चीज को एक लेवल अप करना बहुत मुश्किल हो चुका है, चाहे प्रोसेसर्स का हो, प्रोसेसर का साइज छोटा करना हो, बैटरी को बूस्ट करना हो, कुछ भी चीज़ हो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा R&D पे पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इतने ज़्यादा कम अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं इन एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो कैमरा हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। तो भाई बस यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि बहुत मोटिवेट करता है आपका एक सब्सक्राइब मेरे को। रुको रुको, अगर आपको डार्क रियलिटी डालनी है टेक की तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, अगर आपको बेस्ट स्मार्टफोन 30K लेना तो इस वीडियो पे क्लिक करो, ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर दो।